हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एलोवेरा का जूस और एलोवेरा का जेल। तो आप देखिए घर में इसे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एलोवेरा लिया हुआ है, ये एकदम बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है, हम लोगों ने घर में लगा कर रखा हुआ है। तो उसे मैंने कट कर लिया है और आप देखिए इस तरह से नाइफ़ के सहारे से मैं इसका ऊपरी भाग जो होता है ऊपरी परत उसको छील ले रही हूँ। आप चाहे तो दोनों तरफ से भी छील सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक साइड से इसको छील कर निकाल ली हूँ, पील कर ली हूँ। अब इसका अंदर का जो रेशा है ये बहुत ही सॉफ्ट और थोड़ा सा ये चिपचिपा होता है, इसको हमें ऐसे करके निकाल लेना है नाइफ़ के सहारे से। तो आप बिल्कुल इस तरह से पहले निकाल लें इसे धीरे धीरे करके। इसका बहुत फ़ायदा है, आप डायरेक्टली अपने फटे एड़ियों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने चेहरे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पैर, अब स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये तो सभी जानते हैं। तो आप देखिए मैं इस तरह से इसका जेल निकाल ले रही हूँ, अंदर का जो इसका पार्ट है इसे नाइफ़ के सहारे से मैं इस तरह से निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सारा निकालने के बाद एक स्पून लेना है, स्पून के सहारे से इसे पुश करना है, ब्रश करना है, तो ये खुद ब खुद ये जेल में बदल जाएगा। और दूसरा स्टेप इसका जूस बनाने का तो मैं बता रही हूँ उसे, उसके पीने के भी तरीके मैं बताऊँगी। इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए सुबह खाली पेट। तो ये देखिए लगभग मेरा जेल तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ बताने जा रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा और प्रेस में कर दे रही हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल हो गया, इसमें छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं उसके, आप निकाल दें बाद में इसे। तो इसका जूस बनाने के लिए हमें क्या करना है, जब आपको ताज़ा निकालने इस तरह से, आप डायरेक्टली भी देखिए इस जेल का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हाथों में लेकर। ये देखिए मैंने हाथ में लिया है, डायरेक्टली भी हाथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है त्वचा इससे। मैं डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ इसे अपने हाथों पे, क्योंकि काम करते करते हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको जूस बनाने के लिए सिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने जेल तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच गर्म पानी लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये ल्यूक वार्म वाटर है जिसको सील गर्म कहते हैं। उसमें मैं चार चम्मच पानी में मैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर दे रही हूँ। और इसे जब ये गर्म पानी में जाएगा तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है, तो आप इसे इस तरह से मेल्ट कर लें और आप सुबह खाली पेट इसे पी सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये मेरी एक रेमेडी है, आप लोगों के साथ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय।